ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ द्वादशी तिथि है। शाम को त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार और प्रदोष व्रत का सुंदर योग बन रहा है। कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि कोई कार्य फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो इस दिन विशेष प्रयोग शास्त्र में बताए गए हैं, उनको कर लेने से कल्याणकारी योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार सुंदर तरीके से पूरे 60 दिन का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि इसी में मलमास भी आने वाला है। सावन के महीने में मलमास रहेगा, तो इस सुंदर तिथि का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। प्रदोष व्रत है, आपके ग्रह गणना अनुसार समय आपके अनुकूल दिखाई देता है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होंगे, लाभ की सूचना ये दिन लेकर आपके आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान शिव का पूजन करें, महालक्ष्मी का पूजन करके भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करें, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। यदि 15 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, मासिक शिवरात्रि है, सावन मास की शिवरात्रि। कांवड़ के द्वारा जल चढ़ाने की सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल चलती है। भगवान शिव आदिदेव हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं, केवल जल के द्वारा ही एक लोटा जल उन पर डाल दें, उनको ही तथास्तु कह देते हैं, कल्याणकारी युग बनते हैं। तो ऐसे में आप इसको लाभ लेने का प्रयास करें। सुबह का टाइम आपके अनुकूल दिखाई देता है, शाम दोपहर जैसे से बढ़ेगी 11 बजे के करीब करीब 25 मिनट पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा, वो आपके खर्चे बढ़ाने के योग बनेगा, महत्वाकांक्षा बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में सावधान रहिएगा, बेकार के कामों में ना फंसिएगा, अन्यथा बेकार के कामों में धन खर्च भी होगा, जुर्माना भी पड़ सकता है। भगवान शिव का ध्यान करें सुबह सुबह, उनका अभिषेक करें। बुध उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ सूचना है, इसका कल्याणकारी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है। संक्रांति है उस दिन रविवार का अवसर, रविवार को जब भी संक्रांति पड़े तो हृदय नाम का योग बनता है, कर्क राशि वालों को समझना चाहिए, इनके लिए बड़ा सुंदर योग बनने जा रहा है। और आपकी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, काम करें, बहुत बढ़िया से आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस का दिन दिखाई देगा। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सुबह सुबह उनका जल के द्वारा थोड़ा पीले पुष्प डालकर रोली डालकर उनका अभिषेक करेंगे और उनका अर्घ देंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 17 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवती अमावस्या, सावन का दूसरा सोमवार है, संक्रांति का पुण्य है, क्योंकि संक्रांति पिछले दिन जो हुई है वो करीब करीब सुबह 5 बजे के आसपास हुई है, तो अगले दिन पुण्य रहेगा, यानी सोमवार के दिन पुण्य रहेगा। तो ऐसे में गेहूं का दान करना, जल का दान करना, लोटे का दान करना, अन्न भर के, ये सारे सुंदर उपाय हैं। और साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, और साथ साथ शिव की सोमवार का भी है, दूसरा सोमवार पड़ रहा है सावन का, तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करें। तो ये सुंदर कार्य करने का दिन है, बड़ा मुश्किल से भाग्य से ऐसा दिन आता है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो दिखा रही है, थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करने का प्रयास करें, अन्यथा बेकार के रूल को फॉलो करने का प्रयास करें, कहीं भी हल्का सा रूल तोड़ेंगे तो जुर्माना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और ये आपके लिए बहुत सावधानी वाली बात है। 18 की यदि हम बात करें जुलाई की, तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ पुण्यों के लिए समय माना जाता है, ऐसे में यज्ञ इत्यादि करना, पुण्य कथा का श्रवण करना, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पुरुषोत्तम मास में सावन के पूरे पूरे 60 दिनों में, सावन का महीना 60 दिन का जो है, इसमें विशेष तौर पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं, यज्ञ इत्यादि में भाग लें। हमने रुद्राभिषेक रखा हुआ है पूरे 60 दिन का, तो शाम को आप अवश्य 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये कार्यक्रम होता है, जो लोग भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था को समझने के लिए नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई देती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने का समय दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का समय है, कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्त होगा। बुध और सूर्य का, चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है सूर्य के साथ, ये आपके लिए बुध आदित्य योग और साथ साथ बुध का चंद्रमा के साथ भी सुंदर योग बन रहा है, ये सारे के सारे आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ आपको मिल सकता है। 19 तारीख के लिए हम बात करें तो 19 तारीख को बुधवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन द्वादशी द्वितीया तिथि है पुरुषोत्तम मास की, कर्क में चल रहे हैं चंद्रमा, ये सब आपके लिए अनुकूल बन रहा है, ग्रहों का योगायोग। इस दिन शाम को चंद्र दर्शन होगा, उनका दर्शन करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, आपके लिए सुंदर तिथि रहेगी, आगे बढ़ने के अवसर अवश्य प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो 20 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि और
सिंह में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। यह आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा है और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। खैर, शाम का समय ऐसा दिखाई देता है थोड़ा धन खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं, तो इस समय को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पर दिखाई दे रहे हैं और आप उन सब पर संपर्क साध कर विवेकानंद योगाश्रम में संपर्क साध सकते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो उसके बारे में निवारण जानने के लिए ये सारे नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं। धन्यवाद।